ठीक है, कितना आ रहा है? कंटिन्यू आ रहा है, पता है क्या? नहीं मालूम। तो इसमें हम आपको किधर मिला? 0701। तो ये किधर है? 0701। ये भी देख लेंगे, ये वाले मॉडल भी है हमारे पास, तो इसका भी देख लेंगे। क्रिस्टल किधर है? इसका किधर है? पावर एसी के मतलब ये वाला रजिस्टर याद रखते हैं, तो इसका भी देख लेंगे एक बार। रेड ग्राउंड करेंगे, देखो ये साइड में कितना आ रहा है, 750, और इस साइड में सेम जीआर आ रहा है। अब डीएसओ में देख लेंगे, चैनल कौन सा ले लिया अपन? 1 ले लिए। एम पॉस क्या क्या हो गया, इसको बंद करो, नहीं इधर का दबाना, यहाँ पे लगा दिया चार्जर, यहाँ कनेक्ट कर दिया हमें ग्राउंड के साथ। फर्नीचर सेंटर में ले रहे हैं और सेंटर में ले रहे हैं, ठीक है। छोड़ दो आप, अभी देख लो भाई कितना आ रहा है। आरा बराबर किधर लगाए अपन ये? अब इनके फोन में ये नहीं आ रहा ना ये। अब रजिस्टर के इस साइड में भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कितना आ रहा है? कंटिन्यू आ रहा है, देखो दिख रहा सबको? यस सर। तो अगर 36 वाला रहेगा तो 19.2 एग्जैक्टली आ रहा है अभी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये ऑन करके भी चेक कर सकते हैं आप, ऐसा अब ऐसा करके करना पड़ता थोड़ा, समझ सकते ना, टेक्नीशियन है आप लोग। तो ऐसा क्रिस्टल का सप्लाई देख लो, कहाँ रजिस्टर पे भी आना चाहिए और क्रिस्टल के पास भी आना चाहिए, ठीक है। इसके फिर आगे बढ़ेंगे, अभी इनके मोबाइल में तो नहीं आ रहा, रजिस्टर पर नहीं आ रहा, लेकिन क्रिस्टल के पास आ रहा। तो पावर ऐसी सही ने लगाए होंगे, हो सकता, समझ गए? अब इन्हों जब डालेंगे रिवॉल्व करके तो अब सही डालेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर लिया ना पहले। आ रहा है कितना? आ रहा है 38.4, बन रहा 38.4 मेगाहर्ट्ज़। और इसमें कितना लग गया है क्रिस्टल हमारे पास? हाँ, ये वाले मॉडल में 19.2, लेकिन जो आपका उसमें कितना है? 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये हम पावर सेक्शन देख रहे हैं, अभी सारा बक सप्लाई बना है। उसके अलावा जो डेड मोबाइल में चेक करने हैं आपको SPMI, क्लॉक एंड डाटा, जो ये कल चेक करे थे। इसके अलावा MSM BB क्लॉक आएगा पावर में कितने नंबर में? 26 नंबर। यहाँ से BB क्लॉक निकलेगा कितने नंबर से? 26 नंबर से। कितना मेगाहर्ट्ज़? अगर 38.4 मेगाहर्ट्ज़ है तो फिर ये 38.4 मेगाहर्ट्ज़ जाएगा क्रिस्टल जो है। अगर 26 मेगाहर्ट्ज़ है, 26 जाएगा, समझ सकते? इसके अलावा WTR के लिए एक निकला, अरे तो जितना है उतना ही 19.2 MHz ही जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मैं जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं जिसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज़ है, उसमें अगर आप देखोगे किसके लिए, WTR के लिए या वाईफाई के लिए, तो उसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का तो आपका WTR में जाएगा ही जाएगा, लेकिन बेसबैंड के लिए जो जाएगा आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज़, समझ रहे? तो डायग्राम में देखना है आपको है क्या उसमें बोल के। तो क्रिस्टल चेक कर सकते हैं कल। ये वाला सारा ले लिया आप फोटो? इसको हटा दूँ, फोटो एक ले लो।